वेलकम बैक गाइस, मैं विवेक, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक विंड्रॉइड पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा कंप्रेसिंग का क्या होता है और कैसे यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूं डेटा कंप्रेसिंग होता क्या है। डेटा कंप्रेसिंग वो होता है, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी आप एक बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर कोई सपोज एक फाइल है जिसकी साइज बहुत बड़ी है और आपको वो छोटी साइज में चाहिए, मतलब लेस मेमोरी में चाहिए, तो वो आप डेटा कंप्रेशन की मदद से कर सकते हैं। अब डेटा कंप्रेशन दो टाइप के होता है, लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एंड लॉस डेटा कंप्रेशन। लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में क्या होता है कि आपकी जो फाइल्स है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, एंड जो लॉस वाला है उसमें आपकी फाइल शायद गायब भी हो सकती है। ओके, इतना समझ गए इस। अब मैं पहले बात करता हूँ फर्स्ट मेथड की, जो है लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। सपोज अब मैं एक कोई भी अल्फाबेट ले लेता हूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ वी। अब मैं वी को 10 times लिख रहा हूँ, वी इंटू वी इंटू वी, वैसे मैं 10 times लिख रहा हूँ, तो उसकी जो स्पेस होगी वो पूरी एक लाइन जितनी होगी। अब मैं उसको कंप्रेस करने जाऊंगा तो मैं कंप्रेस कैसे करूंगा, वी इंटू पावर में 10। ये है गाइस डेटा कंप्रेसिंग, जो इतनी वर्ड लेन में मैं 10 times वी लिखा था वो सिर्फ एक ही वर्ड में आ गया, वी इंटू 10। यही है डेटा कंप्रेसिंग। अब ये तो था लॉसलेस डेटा कंप्रेसिंग, इसमें कोई मतलब लॉस नहीं होगा आपका डेटा। और आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कंप्यूटर की लैंग्वेज में, इट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में। अगर कोई एक डिजिट ले लेता हूँ 111000 एंड अगेन 111, तो इसको हम कंप्रेस कैसे करेंगे कि जो 3 times 1 आया उसको फर्स्ट में 1 की पावर में 3, बाद में 0 आता है 3 times तो 0 की पावर में 3 एंड अगेन 1 3 times। देखा गाइस ये कितना इजी हो गया, वो पूरा वर्ड 9 digits में आ रहा था, 3 times 1 3 times 0 and 3 times 1। यही है गाइस डेटा कंप्रेसिंग। आपने देखा जो मैं 3 digits थी वो कितनी आसानी से लिख दी, 1 की पावर में 3, 0 की पावर में 3 एंड 1 की पावर में अगेन 3। यही होता है गाइस लॉसलेस डेटा कंप्रेसिंग, इसमें आपको कोई भी डेटा गायब नहीं होगा। अब बहुत सारे वेबसाइट्स ये बताती है कि हम तो इतनी बड़ी बड़ी गेम्स है मूवीज है उसको कंप्रेस करेंगे। अरे कोई तो क्या बताता है GTA 5 1 MB 2 MB। अरे गाइस ऐसा नहीं होता, ये एकदम प्रैंक है। 60 GB की कोई गेम एक मेगाबाइट में कैसे आ सकती है गाइस कोई भी गेम, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप बोले हाँ 60 GB की कोई गेम है उसको मैं 50 में लेके आ रहा हूँ तो वो पॉसिबल है, क्योंकि इतना जो डिस्टेंस है डेटा का वो मैनेज हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ लॉस डेटा कंप्रेशन की। लॉस डेटा कंप्रेशन में क्या होगा कि आप अपनी जो मैं जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी जो ब्राइटनेस है, कलर ब्राइटनेस है, बाद में जो पीछे का बैकग्राउंड है वो एक ही फ्रेम में रिपीट होगा। अगर सपोज 4 frame में वीडियो बन रहा है, 2x का है एंड 2y की फ्रेम है ग्राफिकली व्यू बोलूँ तो, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को x1 चाहिए और वही बैकग्राउंड पूरे वीडियो में रिपीट हो तो ये लूजलेस है, ये लूजिंग में आ जाएगा, क्योंकि आपने जो लूज वर्ड आप क्योंकि आपने पार्ट एक ही सिलेक्ट किया और पूरे वीडियो में वही बैकग्राउंड में आ रहा है, तो बाकी का किधर गया, बाकी का आपका जो डेटा था वो लॉस हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आपका सपोज ये वीडियो बनता है 120 MB में। ओके गाइस 120 MB में बन गया है वीडियो। अब आपको ये चाहिए सपोज करता हूँ 20 to 10 MB में, तो क्या होगा, मैंने जो भी शर्ट पहनी है वो हल्की सी ग्रे हो जाएगी, शायद वाइट हो जाएगी, जो भी शार्पनेस आ रही है वो भी शायद ना दिखे, उसमें आपका है डेटा लॉस। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, और कोई भी
कमेंट हो इस वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।